नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते बड़ी खबर से। वाराणसी से बड़ी खबर आ रही है। आकांक्षा दुबे का आरोपी समर सिंह की आज पेशी है कोर्ट में। आपको बताते चले कि गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में किया गया है गिरफ्तार। आकांक्षा के परिजनों ने इंडिया न्यूज का धन्यवाद व्यक्त किया। इंडिया न्यूज की वजह से एक्शन तेज हुआ है, वकील ने कहा है। इंडिया न्यूज की कवरेज से मामला समझ में आया है। आकांक्षा दुबे का आरोपी समर सिंह गिरफ्तार हो चुका है। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन से गिरफ्तारी हुई है। आपको बताते चले कि इंडिया न्यूज ने इस पूरी खबर को प्रमुखता से दिखाया था। मुहिम की शुरुआत इंडिया न्यूज ने की थी और इसका बड़ा असर जो है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि खुद आकांक्षा दुबे की मां ने इंडिया न्यूज से बातचीत में इंडिया न्यूज का धन्यवाद भी व्यक्त किया है। वकील ने धन्यवाद प्रकट किया। आपको बताते चले कि गाजियाबाद से गिरफ्तारी हुई है और लगातार अब समर सिंह पर शिकंजा कसा जा रहा है। आने वाले समय में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। लगातार पूछताछ की जा रही है। आने वाले समय में और भी कई गिरफ्तारियां हो सकती है। फिलहाल समर सिंह पुलिस की गिरफ्त में है, कोर्ट में पेशी है और उसके बाद रिमांड पर समर सिंह को लिया जाएगा। हमारे साथ सहयोगी जमील अहमद जुड़ चुके हैं। जमील, जिस तरीके से गिरफ्तारी हो चुकी है, कोर्ट में पेशी है, ताजा अपडेट क्या है आपके पास? बिल्कुल तरन्नुम, आपको बता दूं कि जिस तरीके से समर सिंह को लेकर एक लंबी इंडिया न्यूज ने एक लंबी मुहिम चलाई और मुहिम चलाने के बाद समर सिंह आखिरकार गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया और बनारस उसे ला दिया गया है। और लगभग 3 बजे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि उसे न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास वहां ले जाया जाएगा। हमारे साथ आकांक्षा दुबे के अधिवक्ता है। ये बताइए कि क्या लगता है कि पूरी अभी कार्रवाई कहां तक पहुंची? देखिए, गिरफ्तारी हुई है लेकिन जिन धाराओं में गिरफ्तारी होनी चाहिए थी उसमें नहीं हुई है। माननीय न्यायालय में हम लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया हुआ है और उस पर थाने से रिपोर्ट मांगी गई है। वादनी का बयान फिर से कराए जाने की मांग हम लोगों ने की है क्योंकि उनका बयान पूरा नहीं लिया गया था। वे जो साक्ष्य देना चाह रही थी वे साक्ष्य नहीं लिए गए हैं, तो उनके साक्ष्य लिए जाएं। उन्होंने जो बयान दिए हैं वो जिन लोगों को कल्प्रिट बता रही हैं उनके बयान यदि आएंगे तो निश्चित तौर पर हम लोगों को इस मुकदमे में कुछ और ऐसे चेहरे दिखाई देंगे जिनका इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। इसलिए उस दिशा को डेवलप करना होगा और उस दिशा में यदि पुलिस आगे बढ़ती है तो ठीक है, क्योंकि वादिनी पहले दिन से यह प्रयास कर रही है कि उसका पूरा बयान लिखा जाए। उसके प्रार्थना पत्र पर FIR नहीं लिखी गई, फिर उसके बाद बिना विसरा की रिपोर्ट आए, बिना मोबाइल की रिपोर्ट आए और बिना जो है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट आए और यह डिक्लेयर करने का प्रयास किया गया कि यह 306 है। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए जब इन सब चीजों पर चर्चा होगी, एविडेंस सामने आएंगे, माननीय न्यायालय पर्यवेक्षण करेगा तो कोई न कोई रास्ता ऐसा जरूर आएगा जिससे कि आकांक्षा दुबे को न्याय मिलने में मदद होगी। समर सिंह को कितने बजे तक रिमांड मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाएगा? देखिए, आज छुट्टी का दिन है, 3 बजे के आसपास रिमांड मजिस्ट्रेट बैठते हैं और मुझे लगता है 3, 3:30, 4 के आसपास रिमांड मजिस्ट्रेट के बैठने पर ही कार्रवाई प्रोसीड होगी। क्या लगता है कि पुलिस रिमांड मांग सकती है? हाँ, पुलिस रिमांड मांगने की चर्चा तो है। अब पुलिस क्या करना चाहती है ये तो पुलिस बता पाएगी, लेकिन पुलिस को रिमांड मांगना चाहिए क्योंकि पुलिस के सभी बड़े अधिकारी यह कह रहे हैं कि कुछ फर्दर इन्वेस्टिगेशन हमको करना है, उस इन्वेस्टिगेशन के लिए हमको रिमांड चाहिए समर सिंह का। तो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना है, देखिए क्या होता है। आपको क्या लगता है कि अगर पुलिस रिमांड पर लेती है तो क्या चीजें सामने निकल कर आएगी, क्योंकि अभी तक जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि मुकदमा उस 302 में नहीं हुआ है बल्कि 306 में हुआ है, तो क्या लगता है? तो निश्चित तौर पर 302 में सारी प्रक्रियाएं होंगी क्योंकि हम लोगों का यह मानना है और यह साक्ष्य प्रथम दृष्टया साक्ष्य साबित करते हैं कि आकांक्षा दुबे की हत्या करके उसको ऐसे करके सजा दिया गया है। जिन परिस्थितियों में जो फोटोज वगैरह दिखाई दिए हैं प्रथम दृष्टया, उनको देख के यह नहीं लगता है कि कोई उन परिस्थितियों में आत्महत्या कर सकता है। वह हत्या करके उनके पेट में जो एक अनआइडेंटिफाइड फ्लूइड पाया गया है, ब्राउन कलर का केमिकल है कोई, जो हेजार्डियस है, जो खतरनाक है, इससे इंटेस्टाइन की मुकस पूरा चोक्ड हो गई है और वो जो वीडियो उनके लीड हो रही थी, जो चल रही थी, उस पर भी हम लोगों को शक है कि कैसे जो है कि वो वीडियो चल रहा था और उसी को साक्ष्य बनाकर उसको रिलीज किया गया और उसी को सबूत बनाया जा रहा है, जबकि वो जिस तरह से वो चल रहा था वीडियो और वो जिस तरह से रो रही थी तो उसमें भी एक षड्यंत्र की काबू आ रहा है कि कहीं वो रिकॉर्ड करके तो नहीं चलाया गया था। सारी कहानी वही 17 मिनट में तो नहीं हो गई थी,
कि उनको मार के लटका करके जाने वाले चले गए थे और फिर इंतजार किया जा रहा था कि अगले दिन खुले, क्योंकि जब आप होटल के कर्मचारी कमरा खोल रहे हैं उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि वीडियो के वो होटल के कर्मचारी कमरा खोल करके उधर देखते भी नहीं, इधर की देखते हुए आगे निकल जाते हैं। तो निश्चित तौर पर जब ये चीजें सामने आएंगी, विसरा रिपोर्ट आएगा और अन्य चीजें आएंगी, तो निश्चित तौर पर कुछ और एविडेंस सामने आएंगे, मोबाइल रिपोर्ट्स वगैरह आएंगी तो कुछ चीजें और सामने आएंगी। ये बताइए कि समर सिंह को आज यहाँ पर अगर लेकर आते हैं तो क्या आकांक्षा दुबे की माँ भी यहाँ पर उस समय मौजूद होंगी? नहीं, आकांक्षा दुबे की माँ की तबीयत नहीं ठीक है, आज उनका कुछ रिलेवेंसी नहीं थी यहाँ आने की, इसलिए वो आज आई नहीं है। सोमवार को संभवतया वो जरूर आएंगी। तरुण, एक आदमी और भी हमारे साथ हैं जो आकांक्षा दुबे के साथ कुछ काम कर चुके हैं, उनका कहना है कि हम आकांक्षा दुबे को बहुत नजदीक से जानते हैं, उनसे जान लेते हैं। विकास तिवारी, आप ये बताइए कि आप बताते हैं कि आकांक्षा दुबे को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं और हमारी दोस्ती रही, क्या मामला लग रहा है समर सिंह और आकांक्षा दुबे के? ये जो मामला है ये 100% परफेक्ट मर्डर प्लानिंग है, क्योंकि जिस तरीके से संदीप सिंह होटल ड्रॉप करने के लिए आया और रूम के अंदर गया और उसके बाद होटल के कर्मचारी सब लोग बोल रहे हैं, होटल वाले को मैंने देखा कि वो साक्षात प्रमाण लेकर बैठा है कि ये देखिए संदीप सिंह के बाहर जाने के बाद ये लाइव आया है, तो वो लाइव स्क्रीन रिकॉर्ड 2:25 पर है। तो वो 2:25 कौन ऐसा व्यक्ति था जो आकांक्षा को लाइव रिकॉर्ड कर रहा था, स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा था? अब तो वो लाइव है नहीं इंस्टा पे। और ये नॉर्मली होता है फ्रॉड करने के लिए कि टाइम एडिट कर दिया जाता है, जैसे स्टूडियो में चाहे 3G मोबाइल हो, बहुत ऐसे मोबाइलें होती हैं जिसमें टाइम को आप चेंज कर देंगे तो वही टाइम स्क्रीन रिकॉर्ड में दिखाई देगा। तो वो ऐसा कौन व्यक्ति था जो ये मर्डर होने के बाद वो सुबह वायरल कर दिया? तो ये कहीं ना कहीं साजिश है, ठीक है। स्क्रीन रिकॉर्ड पुलिस को साइबर क्राइम के द्वारा URL जांच होनी चाहिए कि ये कहां से लीक हुआ है, ठीक है। हो सकता है ये भी हो कि संदीप सिंह जब उसमें था उसी वक्त लाइव दिलवाया हो, कि किसी कारवाड़ या खुशी करके या फुसला करके या डरवा करके लाइव उसको दिलवाया हो और अगला व्यक्ति उसको रिकॉर्ड कर रहा हो कि मैं इसको सबूत दिखाऊंगा कि संदीप जब बाहर निकला तब ये लाइव आई है। उलझने जो है वो लगातार बरकरार है, लेकिन विस्तार रिपोर्ट का इंतजार सभी को है जमीन, और उसके बाद ही कुछ हद तक तस्वीरें क्लियर हो सकती है। आप हमारे साथ जुड़े बहुत बहुत शुक्रिया।